ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ऐसे लिपिड हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट लिपिड में जुड़ा होता है, हमको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको लिपिड। ग्लाइकोलिपिड इसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होगा, एक अल्कोहल होगा और फास्फोरिक एसिड होगा, साथ में क्या जुड़ा होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट या शुगर पार्ट जुड़ा होता है। ठीक है, तो दोज लिपिड्स व्हिच आर कंटेनिंग, व्हिच इज कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट और शुगर पार्ट आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। तो इसमें क्या क्या जुड़ा होता है, ग्लाइकोलिपिड्स कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड एन अल्कोहलिक कंपाउंड एंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर, या फिर हिंदी में लिखेंगे ऐसे लिपिड या ऐसी वसा जिसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर प्रेजेंट होते हैं उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नंबर वन फर्स्ट इज सेरिब्रोसाइट्स आर मेड अप ऑफ स्पिंगोसिन एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर की जगह पे क्या होगा इसमें, गैलेक्टोज। द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रोसाइट इज CH3CH2 का होल 12, CH double bond, CH, CH OH, CH NH, NH2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं NH और H, CH OH, दिस इज द स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल। स्पिंगोसिन R1C11OOH, दिस इज द फैटी एसिड। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये जुड़ जाएगा, जो लास्ट कार्बन इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे जुड़ेगा फास्फोरिक एसिड। इस OH को हम इधर दिखाते हैं, OH सी डबल बॉन्ड ओ OH OH और OH, यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और फास्फोरिक एसिड यहाँ जुड़ जाएगा। अब इससे एक गैलेक्टोज जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, गैलेक्टोज जो कि मिल्क में मिलता है, जो मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है वहाँ प्रेजेंट होता है गैलेक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का पार्ट देखिए आप, उसमें मैंने बताया है, तो इसमें गैलेक्टोज को जब जोड़ोगे CH OH, CH OH, CH OH का होल थ्राइस CH2 OH, 3, 4, 5, 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो बन क्या गया, एक स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल है, दिस इज द, ये पार्ट क्या है, स्पिंगोसिन
ये है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और ये है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, और दिस इज द फैटी एसिड। तो फैटी अमाइड, यहाँ पे अमाइड एस्टर लिंकेज हुई है, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड जुड़ गया है लास्ट वाले पे, और फास्फोरिक एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या जुड़ा है, गैलेक्टोज। ये पूरा क्या बनके बनके तैयार हुआ, सेरेब्रोसाइड, दिस इज अ सेरेब्रोसाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को लिखेंगे, सेरेब्रोसाइड्स आर मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन टिश्यू, ब्रेन एंड नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू। ठीक है, मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में और नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद में नंबर दो आता है गैंग्लियोसाइड, तो आप लोग इसको नोट करें, पॉज करके फिर आगे बताते हैं आपको। अगला जो ग्लाइकोलिपिड है इंपॉर्टेंट है, गैंग्लियोसाइड्स, जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट चल रही है, इसमें 8 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, ये 9th लेक्चर है। नंबर दो है इसमें गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड इज अ, दिस इज अ सिमिलर, सिमिलर टू सेरेब्रोसाइट, सेरेब्रोसाइट, ये जो है सेरेब्रोसाइट के जैसा ही होता है, बस इसमें एक एडिशनल चीज होती है, क्या, न्यूरो अमीनो एसिड, न्यूरो, न्यूरा अमीनिक एसिड, न्यूरामिनिक एसिड इसमें एडिशनल होता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो सेम वैसे ही स्पिंगोसिन बनाओगे, CH3, CH2 का होल ट्वाइस, CH डबल बॉन्ड, CH, CHOH, CHNH और H, CHOH। यहाँ पे आप फैटी एसिड का रिएक्शन कराओगे, थ्री डबल बॉन्ड O, OH। फैटी एसिड क्या होते हैं, तो लिपिड का पहला लेक्चर देखिए अगर नहीं जानते हो, और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम, फास्फोरिक एसिड, थ्री डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच और ओ एच। यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ से भी वाटर निकलेगा, यहाँ पे हम कोई शुगर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, शुगर, जैसे कि वहाँ इससे पहले लैक्टोज जोड़े थे तो वो बन गया था सेरेब्रोसाइट। अगर इस शुगर में और हम क्या जोड़ दें, न्यूरामिनिक एसिड, न्यूरामिनिक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड। बाकी आप जानते ही हो, इससे पहले मैंने लेबलिंग कर दी थी, इसको क्या बोलते हैं, ये फैटी एसिड है और ये आपका स्फिंगोसिन है, ये पार्ट जो है शुगर है, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड और शुगर से क्या जुड़ा हुआ है, न्यूरामिनिक एसिड, तो ये गैंग्लियोसाइड होता है। गैंग्लियोसाइड मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नर्व टिश्यू में, नर्व टिश्यू। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन में मिलेंगे आपको, स्प्लीन। ठीक है, तो ये मेनली नर्व टिश्यू और स्प्लीन में मिलते हैं गैंग्लियोसाइड। तो ये आपके ग्लाइकोलिपिड थे, ग्लाइकोलिपिड पे, लिपिड पे दो शॉर्ट, मतलब शॉर्ट नोट पूछता है 2 या 3 नंबर में, तो 2 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में, तो ग्लाइकोलिपिड में आप दोनों लिख दोगे, सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड, यह बता दोगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसी को डिफाइन कर देना है, बस अपने शब्दों में लिख देना इसमें क्या क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन होती है, एस्टर लिंकेज कहाँ बनता है, कहाँ अमाइड लिंकेज होती है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यही चीज़ें आपको लिखना है। शॉर्ट नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर का शॉर्ट नोट पूछेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है, मेन पॉइंट बस बताने हैं। ठीक है, स्पिंगोसिन का स्ट्रक्चर अगर याद करना है किस तरह से, इसकी ट्रिक मैंने पिछले लेक्चर में बताई, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा सल्फोलिपिड, ये सब कॉम्प्लेक्स लिपिड के पार्ट चल रहे हैं,
कॉम्प्लेक्स लिपिड में मैंने फास्फोलिपिड और फास्फेटिक एसिड ये पहले ही कंप्लीट कर लिया है। आज का जो है टॉपिक ग्लाइकोलिपिड था और सल्फोलिपिड, सल्फो लिपिड्स, सल्फो लिपिड, इसके बाद में लिपोप्रोटीन्स बताएंगे। सल्फोलिपिड भी कैसे होते हैं, सल्फोलिपिड सिमिलर टू सेरिब्रोसाइट्स एक्सेप्ट द प्लेस ऑफ sugar is replaced by sulfuric acid। सल्फोलिपिड जो होते हैं इसमें क्या होता है, ये सेरिब्रोसाइट के जैसे ही होते हैं, जहाँ आप लास्ट में लैक्टोज लगाए थे, शुगर लगाए थे, वहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फोलिपिड। मतलब स्पिंगोसिन, अब इसका स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया स्पिंगोसिन का, आप बना लोगे स्पिंगोसिन से क्या जोड़ोगे, फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड और साइड में क्या जोड़ते थे, फैटी एसिड। यहाँ फास्फोरिक एसिड से क्या जोड़ते थे, शुगर, तो बन जाता सेरिब्रोसाइट। यहाँ जोड़ देंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो मॉलिक्यूल बनकर तैयार हुआ इसको बोलते हैं सल्फोलिपिड। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते, ना ही ज़्यादा इनका काम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन्स में ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग नोट करें। आई होप आप लोग पोज करके नोट कर लिए होंगे। अगली हेडिंग लगाएंगे लिपोप्रोटीन्स। नंबर 3 मेरे मार्कर में इंक खत्म हो गई है, इसमें लिपोप्रोटीन ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। लिपोप्रोटीन मेनली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लिपिड प्लस प्रोटीन ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स लिपिड है लिपोप्रोटीन। इसमें जो लिपिड होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नॉन पोलर लिपिड या फिर एम्फीपैथिक, दो प्रकार के हो सकते हैं। एम्फीपैथिक में भी फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल। तो जो लिपोप्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। जो लिपिड होते हैं इसमें दो प्रकार के पाए जा सकते हैं लिपिड, नॉन पोलर लिपिड और एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक में भी फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मेनली प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन पार्ट होता है। दे आर प्रेजेंट इन डाइट एंड एब्जॉर्ब, इनका जो अवशोषण है एब्जॉर्ब बाय गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सिंथेसिस जो इनका संश्लेषण होता है, संश्लेषण ऑफ लिपोप्रोटीन्स इन
लीवर एंड एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू और लीवर में इनका सिंथेसिस हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। कहाँ अगर इनके फंक्शन की बात की जाए, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है इसका, इस तरह से एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका नहीं बनाएंगे। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, कोलेस्टेरॉल, और यहाँ पे फास्फोलिपिड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द एम्फीपैथिक फास्फोलिपिड्स, दिस मॉलिक्यूल इज द कोलेस्टेरॉल। बात करें हैं प्रोटीन्स की, मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है ना लिपोप्रोटीन, तो ये कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड क्या हो गए, ये है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल लिपिड हो गए, और इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसमें पेरीफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन्स, और इसमें इंटीग्रल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। इसका जो सेंटर है, सेंटर में क्या होते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसराइड, और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज द कोलेस्ट्रॉल एस्टर, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये नॉर्मल क्या है, लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसकी बात करें कैरेक्टर की, जो फीचर इसके होते हैं मेन फीचर, तो पहला आता है डेंसिटी, डेंसिटी। अगर हम इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जो पॉइंट में नोट करवा रहा हूँ, यही अगर आप नोट करके आ जाओगे बीएससी, जो साइंस के साइडें हैं, कोई भी कोर्स हो साइंस का, उसमें आपको सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती कि आप सेंटेंस पूरा बना के लिखो। मैन मैन जो पॉइंट है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही आप लिख के आते हो, तो जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरे आपको दिए जाएंगे, एक भी मार्क्स नहीं काटा जाता है। मेन पॉइंट मेंशन कर दो। अगर कहानी बना के लिखा है, हिस्ट्री वगैरह नहीं है जिसमें तुम आप कहानी बना के लिखो, ठीक, तो इसमें मेन पॉइंट की ज़रूरत होती है। अगर डेंसिटी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, लिपोप्रोटीन का बहुत सारे लिपोप्रोटीन है एक में, अगर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें लिपोप्रोटीन को लेते हैं, फिर उस मशीन में तेज़ी से उसको घुमाया जाता है, तो वो अलग अलग सेपरेट हो जाती है, उसकी लेयर बन जाती है लिपोप्रोटीन की। तो इस तरह से मान लो ये है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें जो सबसे नीचे पार्ट होगा वो होगा FA एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, या FA मतलब फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन। इसके बाद में आपको मिलेगा डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये लेयर बन गई है, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी हो नीचे, जिसकी कम हो ऊपर। सेकंड आता है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसके बाद में आता है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड देन IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और लास्ट में क्या आता है काइलोमाइक्रोन। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है डेंसिटी। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे नीचे मिलता है हमको, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, सो फैट भी होता है साथ में, तो एल्ब्यूमिन के जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो नीचे मिलेंगे। फिर HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एंड देन सबसे ऊपर मिलता है काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करो, फिर आगे बताता हूँ उसका पार्ट।
आई होप आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। डेंसिटी यहां पे मैं लिख रहा हूं काइलो माइक्रोन IDL, LDL, HDL और FFA एल्ब्यूमिन। अगर बात करते हैं डेंसिटी की, इसमें ये सभी लिपोप्रोटीन्स हैं, तो काइलोमाइक्रोन की सबसे कम डेंसिटी होती है और FFA की डेंसिटी सबसे हाई होती है। इसी तरह से जब इधर से इधर आओगे तो घटती जाएगी डेंसिटी, या इधर से उधर जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। आखिर इनकी डेंसिटी कम ज़्यादा क्यों है, बात आती ही है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट की, प्रोटीन कंटेंट, चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन में लिपिड और प्रोटीन दोनों चीज़ें हैं, तो इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, काइलोमाइक्रोन की बात करें तो उसमें 1% होता है, IDL में 7-10%, LDL में 11%, HDL में अप्रोक्सीमेटली 21% और FFA में होता है 40-60% प्रोटीन पार्ट होता है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, प्रोटीन का कंटेंट, जैसे कि इधर से हम जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे प्रोटीन कंटेंट बढ़ता जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन्स, डेंसिटी ऑफ लिपो प्रोटीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इससे हमको याद रहेगा, इस फार्मूले से डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। जितना परसेंट प्रोटीन होगा उतने ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। प्रोटीन परसेंटेज बढ़ाते जाओगे लिपोप्रोटीन में तो उसका क्या होगा, डेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं लिपिड कंटेंट की, लिपिड कंटेंट, लिपिड कंटेंट इसमें 99% होगा, इसमें 90-93%, इसमें होगा 89% और ये HDL जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसमें 79% और FAA एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन इसमें अप्रोक्सीमेटली 40-60% लिपिड कंटेंट होता है। तो इससे ये भी हम लिख सकते हैं द डेंसिटी ऑफ लिपो प्रोटीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिपिड परसेंटेज ऑफ लिपिड। मतलब जैसे जैसे लिपिड बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, लिपिड की मात्रा इधर आओगी तो बढ़ती मिलेगी, यहाँ 40-60 है, यहाँ 79-89, 90-93 और यहाँ 99। तो इधर से इधर आ रहे हो तो लिपिड का कंसंट्रेशन, लिपिड की मात्रा अमाउंट बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रही है। तो लिपिड डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ लिपिड। अब बात करते हैं कि इसमें मेनली किस प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं, किसमें कौन से लिपिड पाए जाते हैं। लिपिड जो लिपिड होता है मेनली काइलोमाइक्रोन की बात करें तो इसमें ट्राईसाइल ग्लिसराइड प्रेजेंट होता है, TAG जिसको हम लिखते हैं ट्राईसाइल ग्लिसराइड, और फॉस्फोलिपिड, और क्या प्रेजेंट होता है इसमें कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल। जो IDL होते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इसमें मेनली ट्राईसाइल ग्लिसराइड प्रेजेंट होता है। ये क्या है, लिपिड पार्ट की बात कर रहे हैं, मेन लिपिड जो होता है IDL में और ट्राईसाइल ग्लिसराइड होता है। LDL में क्या होता है, LDL में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्टेरोल। HDL में भी कोलेस्ट्रोल सब में कॉमन है, कोलेस्ट्रोल, फॉस्फोलिपिड, ट्राईसाइल ग्लिसराइड, और जो FAA होता है इसमें भी ट्राईसाइल ग्लिसराइड,
फास्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो ये डाटा जो है आपको याद रहना चाहिए, ठीक। इस डाटा, अगर इस डाटा को मेंशन करते हो, आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, सारी चीज़ें लिख के आते हो, तो नंबर पूरे दिए जाएंगे, वरना दिक्कत हो सकती है, वरना नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। तो आई होप आपको आज की सारी चीज़ें समझ में आएंगी होगी। ग्लाइकोप्रोटीन सल्फोर ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर विद उनका जो फंक्शन होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, स्टार्टिंग से लेक्चर देखा करो पूरे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।